दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2018 के फाइनल से जुड़ी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, और आपको बताएंगे दोस्तों वो तीन फैक्ट्स जिसको देख के आपको भी लगेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है हार जाएगी फाइनल में चेन्नई सुपर किंग से। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आईपीएल 2018 का फाइनल होने वाला है 27 मई को, जहां पर आपस में भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन फैक्ट्स की जो कि जा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। और सबसे पहला है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इनका रिकॉर्ड, बहुत ही ज़्यादा बेकार रिकॉर्ड है चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद का। ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो 10 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जहां पर दोस्तों 8 मैच जो है सनराइजर्स हैदराबाद हारी है, सिर्फ 2 मैच जीत पाई है चेन्नई सुपर किंग से। और दोस्तों इससे भी बड़ा रिकॉर्ड है आईपीएल 2018 का, जहां पर 3 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है और तीनों बार चेन्नई सुपर किंग जीती है। और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट, एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड जो है वो जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। दूसरी अगर फैक्ट की बात करें तो वो है दोस्तों इनकी बॉलिंग, जो कि वैसे तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग है सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाती है ये बॉलिंग। जब भी मैच हुआ है चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2018 में, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है चेन्नई सुपर किंग ने, हावी बड़ी है चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग। आपको याद होगा कि सेन वॉटसन ने भी शतक लगाया था, तो वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट ही था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बॉलिंग वीक हो जाती है सनराइजर्स हैदराबाद की चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। बात करें दोस्तों तीसरे फैक्ट की तो वो है इनकी बैटिंग, जो कि दोस्तों वैसे ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ केन विलियमसन और शिखर धवन के ऊपर डिपेंड है पूरी की पूरी बैटिंग। बात करें इनके तीसरे मेन बैट्समैन की तो वो है मनीष पांडे, जिनको पिछले मैच में खिलाया ही नहीं, 11 करोड़ रुपए देकर ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने आप को जो है प्रूफ नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये तीन बड़े फैक्ट हैं जो कि इस तरह संकेत कर रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो हारने वाली है फाइनल मैच। आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा फाइनल मैच? क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपने इन फैक्ट को, अपनी इन कमी को दूर कर पाएगी, या फिर एक और बार चेन्नई सुपर किंग जो है आईपीएल 2018 का टाइटल जीत जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद से फाइनल में? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन जीतेगा आईपीएल 2018 का फाइनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।